हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एकांकी कैक्टस और कमल पढ़ाते हुए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। इस एकांकी में हमने पढ़ा कि यशोदा और नरेंद्र पति पत्नी हैं और दोनों का बेटा गुमराह हो गया है, गैरकानूनी कामों में लिप्त है। वो दोनों उसको याद करते हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं, निराश है उसकी तरफ से, रो रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। और इसके साथ ही रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, रोशनी फिर होगी और फिर से परिवर्तित होगा। इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की गई है, नहीं तो एक दृश्य, दृश्य दो, दृश्य तीन, इस तरह भी लिखते हैं। इस एकांकी में जब जब लिखा जाएगा रोशनी बुझ गई, मतलब वो दृश्य समाप्त और रोशनी पुनः जली, यानी नया दृश्य प्रारंभ हुआ है। वैसे एकांकी और नाटक के तत्व में होता है कि समाप्त दृश्य में आने वाले दृश्य की सूचना हो, संकेत हो। खैर, हम बात कर रहे थे कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। इसके बाद रोशनी जलने पर सीधे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब कुर्सी पर बैठे हैं। टेबल पर रमेश का फोटो रखा हुआ है, सामने दो तीन पुलिसकर्मी खड़े हैं। इंस्पेक्टर डंडे से संकेत करता है, यह है रमेश, इसको पकड़ने के लिए 1,00,000 का इनाम है। पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हैं थाने में, उनके सामने दो तीन सिपाही खड़े हैं, टेबल पर एक फोटो रखी है, फोटो की तरफ वो हाथ के डंडे से इशारा करते हैं कि यह रमेश है, इसकी तरफ, इसके ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम। सब इंस्पेक्टर कहता है, यही है क्या वह जिस पर डकैती लूट हत्या के आरोप है? कांस्टेबल पूछता है, जिसने अनेक बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया? फिर सब इंस्पेक्टर कहता है, चेहरे से कितना भोला लगता है, एतबार नहीं होता। ये सारी जो बातें की जा रही है, इससे रमेश के बारे में ओपिनियन पता चलता है लोगों का, रमेश का कैरेक्टर स्केच हो रहा, रमेश कैसा था, किस वजह से उस पर इनाम है, कि ये बहुत भोला लगता है, भरोसा नहीं होता कि इसने इस तरह से हत्याएं की होगी, इतनी लूटपाट की होगी, इस तरीके से लोगों को जख्मी किया होगा। जब सब इंस्पेक्टर कहता है कि चेहरे से कितना भोला लगता है, एतबार नहीं होता, तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर दुख के भाव आ जाते हैं, आवाज गंभीर हो जाती है, कहीं शून्य में ताकने लगता है। नहीं, जब हमारे दिल को कोई बात छू जाती है, हम खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम खो जाते हैं। इंस्पेक्टर भी उदास होकर कहीं और खो गया। इंस्पेक्टर बोलता है, माहौल और हालात ने न जाने कितने ऐसे भोले भाले दूध धोले, चेहरों पर खून पोत दिया, कालिक पोत दी, गुना थो। और दार्शनिक बन गया, दार्शनिक अंदाज में कह रहा है कि माहौल और हालात ने पता नहीं ऐसे कितने भोले भाले दूध धुले, यानी दूध पीते जैसे बहुत बच्चों जैसे मन वाले लड़कों को, और खून से रंग दिया, हत्यारा बना दिया, मुजरिम बना दिया, कालिक पोत दी, उन पर गुना थोप दी, नहीं पता चला। सब इंस्पेक्टर कहता है, जी अपने प्रीतम को ही लो ना, कितना प्यारा था बेचारा, दूर क्यों जाना, अपने प्रीतम को ही देख लीजिए, कितना प्यारा था बेचारा। प्रीतम का नाम आता है, इंस्पेक्टर का चेहरा और गमगीन हो जाता है। इंस्पेक्टर जब सुनता है कि चेहरा कितना भोला भाला लगता है, यकीन नहीं होता यह प्यारा है, तो वो इसलिए दुखी और उदास हो गया था कि ठीक इसी तरीके की स्थिति इसके बेटे पर भी गुजर रही है। इसका बेटा भी मासूम था, उधर वो टीचर का बेटा, इधर ये इंस्पेक्टर का बेटा, लेकिन मासूम होने के बाद भी पता नहीं किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर और गुनाह के दलदल में धंसता चला गया और इंस्पेक्टर से दूर हो गया। इंस्पेक्टर कह रहा है कि सही बात है, पता नहीं हालात और माहौल कहाँ से कहाँ पहुँचा दे आदमी को उसके चेहरे वाली बात पर। तब ये याद करता है कि अपने प्रीतम को ही देख लीजिए। इंस्पेक्टर कहता है, नाम मत लो उसका, अंधे जुनून और उस मैक ने उसे दरिंदा बना दिया था,
इधर तो उस लड़के की जब बात होती है रमेश जी कि लगता नहीं है देखने में इतना भोला है, तब तो ये कह देता है कि होते तो सब मासूम है, पता नहीं कौन सी परिस्थितियों में इंसान किधर ढुलक जाए। लेकिन जब वो बोलता है कि अपने प्रीतम को ही ले लो, तब इंस्पेक्टर का कानूनी मन जग जाता है, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला बन गया पिता की जगह, और कहता है नाम मत लो उसका, अंधे जुनून और स्मैक ने उसे दरिंदा बना दिया था। कानून की हिफाजत करने वाले का बेटा इंसानियत का दुश्मन। और ड्रॉवर में से प्रीतम की फोटो निकालकर रमेश की फोटो के पास रख देता है, ड्रॉवर में ही प्रीतम की फोटो भी थी। कहता है कि कानून के रखवाले का बेटा कानून का दुश्मन, आगे सेंटेंस अधूरा है, और उसकी फोटो निकालकर रमेश की फोटो के पास रखता है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया, क्या फर्क है इन दोनों में कि ये इंस्पेक्टर का बेटा है वो नहीं है। खैर छोड़ो, हमें हर खार को चुनना है और गुलशन को चमन बनाना है, चाहे वह कोई भी हो, हम हर कांटे को चुनेंगे और इस गुलशन को महकाएंगे। यानी इंस्पेक्टर अपने बेटे को भी नहीं बख्शेगा अगर वो मिल गया तो, ये उसका कहना है कि हम हर अपराधी को पुलिस के शिकंजे में कसेंगे और इस धरती को, इस दुनिया को अपराध मुक्त करेंगे। बड़ी दृढ़ता के साथ वो ये बात कहता है। रमेश की फोटो देखकर इंस्पेक्टर की आंखें भर आती हैं, इसके बाद रोशनी बुझती है, यानी ये दृश्य इतना ही था। रोशनी जलती है, गोलियों की आवाज़ें, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें, जब रोशनी जलती है तो गोलियां चल रही है तड़ 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 तड़, और पकड़ो पकड़ो। एक अंधेरी गुफा में प्रीतम जमीन पर गिरा, जोर जोर से हाँफता है, एक अंधेरी गुफा है उसमें प्रीतम गिर गया जमीन पे और हाँप रहे, रमेश बैठा बैठा हाँप रहा है, एक पढ़ के हाँप रहा है, एक बैठा बैठा हाँप रहा, दोनों बहुत दूर से भागते भागते आए हैं, पुलिस से बचते बचाते गुफा में छुपे हैं, पुलिस पकड़ो पकड़ो चिल्ला रही और ये बचते बचाते। प्रीतम मुंह फाड़ कर तेज तेज सांसें लेता है, प्रीतम इस तरह मुंह खोल के सांसें ले रहा है। रमेश को प्यास लग गई, ऐसे लंबी लंबी सांस लेने से हाँफने से सांस प्यास लग गई है, सांस सूख गई है, हलक सूख गई है। वह गले को हाथ से दबाकर थूक निकलने की कोशिश करता है, गला तर करने के लिए का सहारा लेना पड़ रहा है, इस तरह से बिल्कुल किसी तरह गला गिरा हो जाए। उसके मुंह से बरबर निकल जाता है पानी, रमेश थूक से गला गीला करने की कोशिश करता है और उसके मुंह से निकलता है पानी, पानी पीना। प्रीतम थोड़ा राहत अनुभव करता, हड़बड़ा कर उठता, प्रीतम को लगा कहीं पानी पड़ा है, ये पानी दे रहा है कि लोग पियो, हड़बड़ा के उठता, पानी कहाँ, पानी प्रीतम, पानी। प्रीतम सूखी हंसी हंसकर कहता है पानी, हमारी तकदीर में आराम से पानी और रोटी कहाँ है रमेश, बस एक भटकन, एक तारीख सफर, एक पानी कहाँ है हमारी तकदीर में, एक भटकन यायावरी, निकल गए हैं ठीक भ्रमित होकर, मति भ्रष्ट होकर, अब तो बस भटकन है, दिशाहीनता है, और एक तारीख सफर यानी एक अंधेरा सफर। प्रीतम बीच में बात काट कर बोलता है थक गए, रमेश कहता है हाँ बदन से भी थक गया और दिल दिमाग से भी थक गया, मैं सच में थक गया बदन से भी और दिल दिमाग से भी। प्रीतम कहता है थकने का मतलब है, उसकी बात को रमेश पूरा करता है, मौत। थकने का मतलब है, प्रीतम कहता है थकने का मतलब है मौत, ये रमेश। प्रीतम कहता है तुम बस जब तक जिंदा हो भागते रहो, बस भागते रहो, जिंदा है ना तब तक हमको यही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, भागते रहो। रमेश कहता है कब तक, कहाँ तक, कौन सी मंजिल तक, कब तक भागे, किस मंजिल तक भागे। प्रीतम कहता मंजिल, मंजिल होती है अंगस की,
दोनों शून्य में ताकते हैं, मानो मंजिल का उन्हें भी पता नहीं, दोनों ही शून्य में ताकते हैं, मंजिल का तो नहीं पता नहीं। रमेश ठीक ही हंसी हंसकर कहता है, पर तुम इस राह पर कैसे चल पड़े? इंस्पेक्टर के बेटे से पूछता है रमेश प्रीतम से, तुम कैसे चल पड़े इस राह पर? यह भी एक अजीब दास्तान है दोस्त। मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरी जिंदगी अमन चैन और सुख शांति से गुजर रही थी, पर एक दिन मेरे कॉलेज के साथी हिम्मत ने, किस्मत के कलेजे ने वो कांटा चुभोया कि मैं, कहता है मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरी जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी, पर एक दिन मेरे कॉलेज के साथी हिम्मत ने, किस्मत के कलेजे में वो कांटा चुभोया कि मैं, किस्मत के कलेजे में वो कांटा चुभोया कि, भाषा देखिए, गुब्बारे में कांटा चुभो फुस हो जाता है, छाती में पिन चुभो आदमी तिल मिला जाता है, लहू लुहान हो जाता है। तो किस्मत की छाती रूपक का प्रयोग किया है, रोशनी बुझती है, यानी अब फ्लैशबैक में कहानी चलेगी, रोशनी बुझ गई, अब प्रीतम अपनी कथा कह रहा है। रोशनी जलने पर प्रीतम तथा उसका मित्र हिम्मत खड़े हैं। प्रीतम कहता चल चाय पिलाऊं, दोनों दोस्त है, कहता चल चाय पिलाऊं, हिम्मत मुंह बिगाड़ कर चाय, प्रीतम कहता अच्छा चल कॉफी पिलाऊं, अब चाय कॉफी अच्छी नहीं लगती, चाय कॉफी से बहुत आगे की बात करता है वो। हिम्मत प्रीतम कहता अच्छा तो क्या शराब अच्छी लगती है? चाय भी नहीं कॉफी भी नहीं, अब इससे आगे वो शराब सोच सकता था, तो कहता है शराब, हिम्मत कहता है वो भी नहीं, प्रीतम कहता है तो क्या पीना चाहता है? हिम्मत कहता है यार अब तो वो पीने का मन करता है जो जन्नत का मजा देती है, तेरी कसम प्रीतम बस लाइफ का मजा आ जाता है, जवानी को चार चांद लग जाते हैं, अब तो ऐसी चीज पीता हूँ कि बस जन्नत के नशे में, बोलते टाइम में सुरूर में आ रहा है, बस ऐसा लगता है इस युवावस्था में जवानी में चार चांद लग जाते हैं, और भी हवाओं में उड़ने लगता हूँ। प्रीतम को ताज्जुब होता है, आश्चर्य के साथ पूछता है ऐसा क्या है? है यार, प्रीतम पूछता है फिर भी? हिम्मत कहता चल तुझे भी परीलोक का रंगीन सफर करवा, चल परीलोक का रंगीन सफर। हिम्मत हिचकिचा जाता, देखिए एकांकी है ना, तो उसने कहा की जगह इसमें संवाद है, एकांकी और नाटक दृश्य का भी तो संवादों के सहारे आगे बढ़ते हैं, इसमें वर्णनात्मकता तो होती नहीं है। तो हिम्मत ने कहा, प्रीतम ने कहा, इस तरह चलते हैं। प्रीतम हिचकिचा जाता है जब हिम्मत कहता है कि चल सफर कर रहा हूँ परीलोक का रंगीन सफर, कहता है पर क्या, अब चल सीधे सीधे, नहीं यार मैं ऐसे उल्टे सीधे धंधे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, उसको थोड़ा अटपटा लगता है। तो दिखा दो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी प्रेम कहानी, ब्लैकमेल, कहता है तो चल फिर मत चल, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी प्रेम कहानी दिखा दो। जेब में से एक फोटो निकाल के दिखाता है, ये फोटो किसी लड़की की है, दिखा दो पिताजी को, ये चल रहा है। प्रीतम कहता नहीं यार प्लीज, प्रीतम फोटो छीनना चाहता है, दे दे प्लीज यार ये फोटो, और वो वापस टाल लेता है, देता नहीं है फोटो। हिम्मत कहता है सीधे सीधे चल, चलना पड़ेगा मेरे साथ। प्रीतम हाथ पकड़ कर घसीटता सा ले जाता है, जबरदस्ती प्रीतम मजबूरी में जा रहा है। रोशनी जल कर बुझती है, यानी वो दृश्य चेंज हुआ, फिर वो कहाँ गए वो बता रहे हैं, आंखें बंद करके कह रहा है धीरज का साथ नशे लेते लेते, नशे ने मेरी जिंदगी की आंखें मूंद दी, हिम्मत के साथ में मैं, धीरज लिखा है हिम्मत होगा, नशा लेने की आदत पड़ गई उसने, इस फोटो को दिखा दिखा के इसको ऐसा बना दिया कि जिंदगी से आंखें मूंद दी, मैं नशे के बिना तड़पता था आंखों में आंसू, ये ब्रैकेट में लिखा है, पढ़ना नहीं है,
इसका मतलब अब उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे और बोल रहा है मुझे हर हालत में स्मैक स्मैक चाहिए था, मैं मजबूर हो गया, बस नशे की काली डोर का कठपुतला और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर एक दिन मेरे कानों में जहर उगल दिया गया और हाथों में पकड़ा दी गई बंदूक। बंदूक तथा स्मैक दोनों हाथों में गलत चीजें, और उस दिन से न बंदूक छूटी न स्मैक छूटी, छूट गया घर परिवार माता पिता तालीम तहजीब मोहब्बत इंसानियत सब कुछ। पर तुम कैसे चल पड़े इस मौत खून और आग के रास्ते, अपना बता दिया, पहले स्मैक की आदत लगाई, फिर स्मैक की आदत लगी तो देता नहीं था, मैं तड़प उठता था तो मेरे हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई। गैंग वॉर, लड़ाई झगड़ा, चरस गांजा, पूरी ऐसी दुनिया में मैं चला गया कि एक हाथ में नशा एक हाथ में पिस्तौल, वो नहीं छूटा, छूट गया घर परिवार पढ़ाई लिखाई संस्कार अच्छा सब कुछ। और फिर बीच में इसकी तरफ आके पूछता है कि तुम इस रास्ते पे कैसे आए। इस एकांकी पर अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, रमेश का जवाब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज यहीं तक। इसके आगे की सारी बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, इस वीडियो को देखिए सुनिए और अपना ख्याल रखिए।